आज मैं आपको जैम में व्हीकल का टेंडर अप्रूव करने का तरीका बता रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि जैम में अवेलेबल टेंडर्स का आप रेट जान लें। इसके लिए आपको जैम का पोर्टल खोलना है, वहाँ पर आप व्हीकल हायरिंग सर्विस टाइप करेंगे या व्हीकल हायरिंग सर्विस SUV या MFB, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप इसमें देखें कि आपको जो आप ढूंढ रहे हैं वो मिलता है नहीं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो ऑप्शन आपने क्लिक किया है वो सूटेबल नहीं है, तो जैम उसको आपको मना करेगा और बोलेगा जो न्यू सर्विस है आप वहाँ जाएं। तो इस केस में भी वही हुआ, जब मैंने व्हीकल SUV चुना तो उसने कैब एंड टैक्सी के लिए भेजा, तो उसके बाद मैं वहाँ गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि मंथली बेसिस पे कैब एंड टैक्सी ड्राइवर हायरिंग ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट डेट कब से शुरू होगा कब एंड होगा वो भरना है। भरने के बाद आपको किलोमीटर और टाइप ऑफ यूसेज भर देना है। भरने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो आपको जैम पे अवेलेबल जो भी रेट्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, उसको आपको देख लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग रेट है, और उसे आप एक एक्सेल शीट में पेस्ट कर लें। एक्सेल शीट में पेस्ट करने के बाद आप एक साथ सारे गाड़ियों का अलग अलग टाइप के गाड़ियों का यूजेस वेरिएंट के हिसाब से, टाइप ऑफ सर्विस के हिसाब से, किलोमीटर ट्रेवल्ड के हिसाब से, मंथली बेसिस फेयर पैकेज के हिसाब से आपको एक डिटेल रेट्स मिल जाएगा जो आपकी गाड़ी के लिए सूटेबल है, आप उसे चुन लें। उसके बाद आप अपने साइट में लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको मोस्ट प्रॉब्ली 7 नंबर पेज पे जाने के बाद आपको व्हीकल सर्विस मिल जाएगा। व्हीकल सर्विस में आप जिस भी सर्विस में जाना चाहते हैं वहाँ पर चले जाएँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में गाड़ी के बारे में बताया गया है कि अलग अलग गाड़ियाँ किस टाइप की है। आपका गाड़ी जिस भी कैटेगरी में आता है आप उसे यहाँ चुन सकते हैं। तो आप इस लिस्ट से नोट डाउन कर लें कि आपका गाड़ी किस कैटेगरी में आता है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और पहले ही आपने रेट देख चुका है, अलग अलग गाड़ियों का रेट यहाँ पर दिया होगा। फिर आगे आपको सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जिसे SLA भी बोलते हैं, SLA जो है बायर और सेलर के बीच में सर्विस एग्रीमेंट है। इस सर्विस एग्रीमेंट में सारी कंडीशंस दी होती है कि आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है, अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या क्या पेनल्टीज है, आपके क्या रेट्स होंगे, क्या किलोमीटर्स होंगे। तो ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें आप कुछ भी गलती करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है या आपका रेट गलत हो सकता है। तो SLA बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। इसको पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि फिर आगे एक ऑप्शन आता है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस का ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि अगर आप पहले कहीं काम किए हैं तो उसको यहाँ पर भर देना है। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उसका डिटेल्स भरिए, या अगर कोई और दूसरा भी है तो आप उसका डिटेल्स यहाँ पर भर दें, ये आपका एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने आपको रेट शीट दिखा है। रेट शीट में कुछ नहीं, आपको जो भी डिटेल्स भरना होता है कि आपका गाड़ी का आप जो देना चाहते हैं तो आप उसका क्या रेट रखना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले लोकेशन है। लोकेशन में आप जहां गाड़ी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं उस स्टेट को चुन लें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और जिप कोड है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट ना हो इसमें और जिप कोड भी ना हो, तो कोई बात नहीं है। इससे आप अगर मशीन नहीं पकड़ रहा है तो कोई बात नहीं, आप भर के आगे निकल सकते हैं। उसके बाद आपको गाड़ी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए दूसरे SUV का भी एक बार दिखा दिया, या शॉर्ट टर्म का भी जो हायरिंग सर्विस है उसके लिए क्या कंडीशन है वो मैंने आपको जस्ट दिखाया। तो ऑलमोस्ट सब में एक जैसा ही है। उसके बाद फिर से हम वापस अपने टैक्सी हायरिंग सिस्टम में आते हैं। मैंने एक पहले से भर के रखा है, तो देखिए SUV है, 2018 का मॉडल है, आउट स्टेशन 24/5, और यहाँ पर आपको रेट भी दिखाया हुआ है। तो इन सबको भरने के बाद आपको वैलिडेट एंड सबमिट करना है। वैलिडेट सबमिट करने के बाद जैम बोलेगा कि 15 दिन के लिए लॉक हो जाएगा, और यही आपका है। थैंक यू। ओके।